नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। थाना जमालपुर अंतर्गत धारा की एक युवती ने पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र को प्रार्थना पत्र देकर छेड़खानी करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। आइए सुनते हैं कि इस संबंध में पीड़ित युवती क्या बता रही है। क्या मामला है जो आज आप पुलिस अधीक्षक के आई हैं? छेड़खानी का मामला है। क्या हुआ? वो ये है कि मेरे घर पे कोई ना था, जिसकी वजह से एक आदमी मेरे घर में घुस आया। गांव का ही एक आदमी है जो कि घर में घुस आया। घर में घुस आने के बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, जिसमें कि मैंने चिल्लाया। मेरी छोटी बहन आई, छोटी बहन के आते ही उसने धक्का दे करके घर से बाहर निकल गया, जिसमें कि चिल्लाने से फिर मेरे घर वाले और बाकी मोहल्ले वाले भी आए। मैंने महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैंने दूसरी बार मिर्जापुर अभी आया है, यहाँ से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, आप थाने पे भी गई थी? हाँ, मैं जमालपुर थाने पर भी जा चुकी हूँ, जिसमें कि उन्होंने बुलाया था, बोला कि हम बुलाएंगे तो आना है, लेकिन वो भी नहीं किए और अपराधी की जमानत भी कर दी गई। अच्छा, ये बताएं कि आप छात्रा भी हैं? हाँ, मैं छात्रा हूँ। कौन सी ईयर में? MS सेकेंड सेमेस्टर मेरा है। कौन से कॉलेज से पढ़ रही हैं? आदर्श जनता महाविद्यालय। आप क्या चाहती हैं? मैं अपराधी को सजा चाहती हूँ, इसलिए आज आप पुलिस अधीक्षक के हैं। जी हाँ।